हेलो नमस्कार, मैं नील सक्रवाल और कक्षा 12 के सिलेबस में डे 113 में हैं हम, जिसमें हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे अब, और पार्ट 5 में हैं इसके, यानी चार क्लासेस हमने पहले कर ली है, पांचवी क्लास है, जिसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रैखिक आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन, एम। न्यूमेरिकल में यूज़ होगा ये, वैसे तो डेफिनेशन बाय चांस ही आती है, ज़्यादा डेफिनेशन तो नहीं पूछ जाती, न्यूमेरिकल में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। आवर्धन क्या है? आवर्धन, आवर्धन का मतलब सिंपल भाषा में ये होता है कि कोई वस्तु कितनी बड़ी है। तो यह वस्तु तो हम लेकर चलते हैं, यहाँ हमें क्या देखना है, उस वस्तु का प्रतिबिंब कितना बड़ा है। बड़े का मतलब ये नहीं है कि वो केवल उस साइज में ग्रेटर देन होगा, वो लेस देन भी हो सकते हैं, ठीक है, यानी वो प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। उसे कैसे देखा जाए, उसके लिए क्या की जाती है, कंपैरिजन, तुलना की जाती है, अनुपात निकाला जाता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है, वस्तु की कितनी है, उनका अनुपात ले लें, उसे आवर्धन कहते हैं, ठीक है। तो इसको डिफाइन भी ऐसे किया जाता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, इसको एच डैश कह देते हैं, तथा बिंब, बिंब कहते हैं वस्तु को, की ऊंचाई का अनुपात रैखिक आवर्धन कहलाता है। अब जैसे हमने पिछले टॉपिक में डायग्राम लिया था, आप किसी से भी ले सकते हैं। एक बात मैंने पहले भी की थी कि हम कोई जरूरी नहीं है कि अवतल दर्पण से कर रहे हैं, तो उत्तल से भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन उसी तरह से करनी है हमें। उसी डायग्राम को ले लेते हैं हम समझने के लिए आवर्धन को, कि ये हमने उत्तल दर्पण लिया था कि ये एफ है, सी है, वस्तु को हमने यहां रखा था, तो ये हो गई वस्तु की ऊंचाई ए बी, इसको हम एच कह दो चाहे ए बी लिख दो, एक ही बात है, ए बी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां से रेज इधर आएंगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन एफ से जाएंगी, सी से जो जाएगी वो क्या करेगी, वो यहां से वापिस इसी पाथ पे आती है और जहां एक दूसरे क्रॉस करती है वहां पर इमेज बनती है। ये जो इमेज है वो ए डैश बी डैश है, इसको हम क्या ले सकते हैं, एच डैश ले सकते हैं। मैग्निफिकेशन को स्मॉल एम से लिखते हैं, एम इज इक्वल टू क्या हो गया, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऊपर लिखा हुआ है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात ही मैग्निफिकेशन कहलाता है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू, सिंपल लैंग्वेज में लें इसे तो m इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं, कितना है, a डैश b डैश है अपॉन ए बी है हाइट, या इसको ऐसे लिख देते हैं h डैश अपॉन h, ऐसे भी लिख देते हैं, ये आ गया इसका एक फॉर्मूला। तो आप इसकी डेफिनेशन लिख लें और ये फॉर्मूला लिख लें कि किस प्रकार से है, m इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात जो है वो ही कहलाता है आवर्धन। अब देखो इसके अंदर आगे इसको किस फॉर्म में और व्यक्त किया जा सकता है। इसके लिए हम इसको वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के रूप में भी इसको हम व्यक्त कर सकते हैं, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के रूप में भी हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। कैसे, जहां ये ऑब्जेक्ट है, हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, इसको क्या कहते हैं, इसको U से शो करते हैं, ये पॉइंट P है, दूरियां कहां से मापते हैं, हमें चलना कहां से है, हमें चलना P से है, ये बात मैंने आपको कहा था हर जगह काम आएगी, और गलती करने के लिए सबसे बड़ा रीजन भी यही बात है। यू ये यहां प्रतिबिंब बन रहा है, ये जो डिस्टेंस है वो क्या हो गई v, ठीक है, ये फोकस दूरी की डिस्टेंस हो गई f,
हमें नहीं चाहिए, ये आर हो गए, यहाँ हमें उसकी जरूरत नहीं है। तो यहाँ से देखें, अगर हम वैल्यूज रखें ए डैश बी डैश की फॉरम में वैल्यूज लें, तो देखो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू, डिस्टेंस की फॉरम में अगर बात लें तो कहाँ से रख सकते हैं डिस्टेंस की फॉरम में, ए डैश बी डैश की जो डिस्टेंस है वो पी सी लेनी है, वो क्या है ए पी, सॉरी ये ए बी की जो डिस्टेंस है वो ए पी है, ए डैश बी डैश की जो डिस्टेंस है वो ए डैश पी है, तो इसको क्या लिख सकते हैं ए डैश पी अपॉन ए पी। अब यहाँ सभी की वैल्यूज हम रख सकते हैं कि किसकी वैल्यू क्या है, उसके लिए हमें पता रहे कि कौन सी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव लेनी है और कौन सी नेगेटिव लेनी है। उसके लिए हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें इस प्रिंसिपल एक्सिस पर तो पी से चलना है, प्रकाश किरण की गति के विपरीत दिशा में अगर हम जा रहे हैं तो दूरियां नेगेटिव होंगी, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ की डिस्टेंस ले रहे हैं तो वो पॉजिटिव होगी और नीचे की तरफ ले रहे हैं तो नेगेटिव होगी। तो यहाँ से देखें एच जो ए बी है वो तो एक्सिस के ऊपर है तो ये पॉजिटिव है, एच डैश की बात करें तो ये क्या है नेगेटिव है, और यहाँ से ये देखें तो हमें चलना किधर है पी से चलना है, इधर चलेंगे और प्रकाश किरण इधर जा रही है तो यू भी नेगेटिव होगा, वी भी नेगेटिव होगा, एफ भी नेगेटिव होगा, एफ की हमें जरूरत नहीं है। तो यहाँ से ए डैश बी डैश की जगह क्या रख सकते हैं माइनस एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू ए डैश पी डैश, ए डैश पी इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है वी है माइनस वी, और इसकी जगह क्या आया माइनस यू, तीन माइनस हो गए माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया माइनस इधर आ जाएगा, और देखो एच डैश अपॉन एच किसके इक्वल है नॉर्मल वे में कहें तो एम के इक्वल है, तो इसकी जगह आपने क्या लिख सकते हैं एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, एच डैश अपॉन एच किसके इक्वल है वी नो दैट एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू एम, तो यहां पुट कर दें एम इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। तो अपने पास देखो कितने फॉर्मूले हो गए, दो बातें हो गई भी यहां अपने पास, यहां लिख देता हूं मैं, अतः m को दो तरीके से डिफाइन किया जा सकते हैं, डायरेक्ट हाइट की फॉर्म में कहें तो h डैश अपॉन h ले सकते हैं, और v और u की फॉर्म में कहें तो माइनस वी अपॉन यू ले सकते हैं, ये आप जैसा भी हमें क्वेश्चन में यूज करना हो कर सकते हैं, ये इसकी इंपॉर्टेंट बात है, भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर आपको ज्यादातर यू वी में क्वेश्चन दिया जाता है न्यूमेरिकल हम करेंगे कल की क्लास में तो वी और यू की फॉर्म में दे रखा है वैल्यू हमें, तो हमें हम निकालना है वी और यू से हम निकाल सकते हैं न्यूमेरिकल से, और अगर हमें डायरेक्ट एच और एच डैश की फॉर्म प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई की फॉर्म दे रखी है अगर हमें तो फिर हमें वी और यू की जरूरत नहीं है, हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा इसके अंदर एफ की फॉर्म में भी इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, बस हमें पता होना चाहिए कि m किसके इक्वल है दर्पण की बात करने लिए, दर्पण के माइनस वी अपॉन यू के इक्वल है, ठीक है तो यू वी और f की फॉर्म में भी हम इसको व्यक्त कर सकते हैं, कैसे हमारे पास दर्पण समीकरण थी, दर्पण समीकरण 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन f, वहां से हम इसको यू वी और f के पदों में भी ज्ञात कर सकते हैं, वो भी महत्वपूर्ण बात है। फिर हम इसका यूज देखेंगे उसके बाद कि m का मतलब क्या है कि पॉजिटिव आए, कैसे पता चले कि प्रतिबिंब जो है वस्तु से बड़ा है या छोटा है, न्यूमेरिकल में हमें ये बात बतानी पड़ेगी कि इसकी प्रकृति और स्थिति के बारे में बताइए, प्रकृति का मतलब ये होता है कि प्रतिबिंब सीधा या उल्टा है, वस्तु से छोटा है या बड़ा है तो इसको हम नेक्स्ट बात ले रहे हैं अभी इसके अंदर कि यू वी और एफ के पदों में, अभी मैं ये विंडोज बंद कर देता हूँ, बाहर म्यूजिक थोड़ा ज्यादा चल रहा है, अब देखें आगे सॉल्व करते हैं इसे, आजकल शादियों का दौर चल रहा है। यू वी और एफ के पदों में, इसलिए डीजे आजकल बजते रहते हैं यू वी एफ K
के पदों में आवर्धन, डायरेक्ट ये बात भी पूछी जा चुकी है एक बार बोर्ड एग्जाम में कि यू और एफ के पदों में आप आवर्धन को व्यक्त कीजिए। तो भी यहां देखें एफ तो आ ही नहीं रहा, अगर हम ये नहीं पढ़ेंगे तो हमें वो बात नहीं पता चलेगी। बिल्कुल सिंपल सी हमारे पास दर्पण समीकरण है, वी नो दैट दर्पण समीकरण क्या है, 1/u + 1/v = 1/f। अब देखो इसके अंदर f तो आ गया, बस अब अपने वो m निकालना है, m किसकी जगह लिखेंगे हम, -v/u की जगह। तो आप क्या करो v/u बना लो और माइनस से गुणा कर दो, तो v/u बनाने के लिए क्या करो, v से गुणा कर दो समीकरण को, u से करके भी कर सकते हो आप, इसलिए दो तरह के रिजल्ट आएंगे, एक तो u और f के पदों में आएगा, एक v और f के पदों में, इसलिए दोनों ही ध्यान रखने आपको। अगर v और f के पदों में पूछा जाए तो फिर अपने पास v और f रहना चाहिए, u कट जाना चाहिए, u और f के पदों में पूछा गया तो फिर v कट जाना चाहिए, u और f रहना चाहिए। तो हम दोनों को सोल्व कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस आएगा उसके अंदर, तो आप कैसे भी कर लो इसमें, एक बार u से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, क्योंकि u से मल्टीप्लाई करेंगे तो u/u कैंसिल आउट हो गया, ये क्या बचा u/v, ये क्या बचा u/f, 1 आ गया यहाँ, 1 को उधर ले जाएंगे, u/v हो गया, हमें क्या चाहिए v/u, तो हम इसका उल्टा कर देंगे v/u, रिवर्स कर देंगे पूरी इक्वेशन को, और माइनस चाहिए तो माइनस से भी गुणा, यानी हमें पता होना चाहिए हमें क्या चाहिए, हमें आवर्धन चाहिए, आवर्धन की बेसिक इक्वेशन ये है, तो हमें फॉलो तो यही करनी है, फॉलो तो हमें यही करनी है, लेकिन इसको बढ़ाने के लिए क्या करना है, देख लें हम क्या करना है, v/u चाहिए। अब मैं इसको u से मल्टीप्लाई कर देता हूं, पहले u से गुणा करने पर याद आएगा 1/u/v = u/f, यहां क्या आएगा u/v = u/f - 1, एलसीएम ले लो, u/v = f LCM आ गया u - f, हमें तो v/u चाहिए, अब इसको रिवर्स कर दो, रिवर्स कर दें v/u = f/u - f, अब क्या करें हमें तो माइनस चाहिए तो माइनस से भी गुणा कर दो, तो क्या देगा -v/u = -f/u - f, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो अंदर तो क्या देगा f प्लस का हो जाएगा u माइनस का हो जाएगा, तो यहां से इसको तो लिख देंगे हम m = f/f - u, और ये फॉर्मूला आ गया। तो ये प्रूफ भी करवा लेते हैं, अगर प्रूफ करवाएं तो आपको क्या करना है, अगर आपको कहें कि आवर्धन को इसके रूप में f और u के रूप में व्यक्त कीजिए तो क्या हटाना है, v हटाना है, v हटाने के लिए क्या करना है आपको, यहां से u से गुणा करना है, v हट जाएगा। अब देखो अगर हमें v रखना है तो v से गुणा कर दो, यानी जो रखना है उसी से गुणा कर दो, ये समझ सकते हैं अपने कि जो रखना है उसी से मल्टीप्लाई कर दो, हमें u रखना है तो u से मल्टीप्लाई कर दो और v रखना है तो v से मल्टीप्लाई कर दो, रह जाएगा। अब आपको इस फॉर्म में न्यूमेरिकल दे दी जाए, u और f की वैल्यू दे दी जाए, तो देखो अकेला आवर्धन पूछा है, अगर अकेला आवर्धन पूछा है, m की वैल्यू पूछी है, तो वरना तो आप क्या करेंगे, पहले तो उसको ये इक्वेशन लगा के और सोल्व करने बैठेंगे, पहले v का मान निकालेंगे उसके लिए कैलकुलेशन करेंगे, फिर v का मान यहां पुट करेंगे और फिर m का मान निकालेंगे। जब v का मान पूछा ही नहीं है हमें तो v का मान क्यों निकाले हम, उसके मार्क्स नहीं है, इसका मतलब आपको डायरेक्ट क्या करना है, टाइम सेविंग का भी ध्यान रखना है, तो उस समय आपको पता होना चाहिए, फिर आप f और u की वैल्यू पुट करें, डायरेक्ट m की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। दूसरी बात अब इसके अंदर लेते हैं अपने वही समीकरण, इसे समीकरण दे देते हैं एक, अब समीकरण एक को किससे गुणा कर दो, v से गुणा कर दो, समीकरण एक को v से गुणा करने पर क्या आएगा, v से गुणा करें तो ये तो आ जाएगा v/u + v/v1 हो गया = v/f, 1 इधर चला जाएगा, v/u = क्या आ गया v/f - 1, इसका एलसीएम ले लें, f एलसीएम आ जाएगा v - f। अब देखो v/u आ रहा है डायरेक्ट आएगा v/u, तो क्या करना, माइनस और लगा दो, तो लगा दे -v/u = इसको माइनस से गुणा करें तो f-v हो गया f-v/f,
एफ, और ये किसके इक्वल है, ये एम के इक्वल है। तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से वैल्यू आ जाएगी एम इज इक्वल टू एफ माइनस वी अपॉन एफ। तो ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, भी तीन बॉक्स दिखाई दे रहे हैं आपको, एम इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, यानी एच की फॉर्म में है तो ये लगाना है, वी की फॉर्म में है, यू की फॉर्म में तो डायरेक्ट ये लगाना है। अगर आपको वी और एफ और यू की फॉर्म है तो यहां से यूज कर सकते हो, और न्यूमेरिकल में तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रहना ही चाहिए। और दूसरी बात, अगर आपको डेराइव करना है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तब आपको स्टेप बाय स्टेप आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या सोल्व करना है और कैसे सोल्व करना है, तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब इसके बेसिक कंसेप्ट पे आते हैं कि हमें एम का मान क्या बताएगा, यानी रिजल्ट में हमें क्या पता चलेगा कि न्यूमेरिकल दिया गया आपको कि वस्तु 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है उत्तल दर्पण के सामने, इसकी फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, इसके बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति या आवर्धन के बारे में बताओ। हम कल की क्लास में इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे कल की क्लास में, लेकिन अभी इसके बारे में हम देख लेते हैं कि कैसे हमें सोल्व करना है इसको, वो देख लेते हैं हम। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो है वो जरूर आप ध्यान रखें। इसके अंदर पहली बात तो ये है, देखो m का मान आएगा, प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है। यहां m का मान जैसे प्लस माइनस और कोई वैल्यू आ गई, तो इसके अंदर दो भाग है, देखो वैल्यू और प्लस माइनस, इनको अलग अलग देखना है भी आपको। अभी मैं बताता हूं अलग अलग का मतलब क्या है और कंफ्यूजन क्रिएट होने का भी क्या कारण है। हम नंबर लाइन जब पढ़ते हैं तो उस नंबर लाइन पे हम ऐसे लेते हैं कि ये जीरो है, इधर प्लस एक दो तीन, इधर माइनस एक दो तीन। अभी तक हमने यही पढ़ा है कि माइनस एक जीरो से छोटा होता है, और होता है भी ऐसे ही पढ़ा हमने, गलत नहीं पढ़ा। लेकिन यहां हम प्लस माइनस का मीनिंग अलग है और वैल्यू का मीनिंग अलग है। प्लस माइनस ये बताते हैं कि प्रतिबिंब जो बनेगा वो सीधा होगा या उल्टा होगा। एक बात प्लस माइनस ध्यान से समझ लेना इस बात को, प्लस माइनस ये बताते हैं कि जो प्रतिबिंब बनेगा, जो इमेज बनेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो सीधी होगी या उल्टी होगी, इरेक्ट होगी, इन्वर्टेड होगी। दूसरी बात वैल्यू ये बताती है कि वो प्रतिबिंब जो बना है, इमेज जो बनी है, वो उस ऑब्जेक्ट से बड़ी है या छोटी है। अब यूं कह दे कि आंसर आ गया माइनस 1.5, तो इस माइनस 1.5 का मतलब दिस इज नॉट अ लेस देन फ्रॉम 1 या दिस इज अ ग्रेटर देन 1, ये बात आपको ध्यान रखनी। यानी इस माइनस को, ये मैं कहना चाह रहा हूं, इस माइनस को इस वैल्यू के साथ इंक्लूड नहीं करना, माइनस को अलग रखना है, वैल्यू को अलग रखना है। जब वैल्यू की बात कर रहे हैं, वी कैन टेक ए मैग्नीट्यूड, हम इसके परिमाण की बात कर सकते हैं। आप ऐसा भी समझ सकते हैं इस बात को कि हम इसके परिमाण की, ये बात समझ में आ जाएगी तो न्यूमेरिकल में 50% प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, और बाकी 50% बसी वो प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि वो तो क्या है, न्यूमेरिकल में संख्याएं रखो और लघुत्तम लो और सोल्व करो, उसमें तो क्या समस्या है। समस्या तो यही है कि हम वैल्यू प्लस माइनस रखनी है, हमें रिजल्ट में प्रकृति कैसे बताएं, हम सीधा है उल्टा है और वस्तु से बड़ा है छोटा है, कैसे बताएं, ये एम बताएगा। तो अगर देखो वस्तु और प्रतिबिंब दोनों अगर बराबर हैं तो एच डैश अपॉन एच के अनुसार देखें तो वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। अगर वस्तु और प्रतिबिंब अगर बराबर होंगे तो उस समय वैल्यू क्या आएगी, रिजल्ट क्या आएगा, एम की वैल्यू 1 आएगी। इसका मतलब ये जो दर्पण है वो समतल दर्पण है। एक बात तो ये, यदि वस्तु और प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर हो तो उनकी दूरी भी बराबर आएगी और उसके लिए m का मान 1 आएगा। इसका मतलब कौन सा दर्पण है, वो समतल दर्पण है। लेकिन अगर मान लो देखो क्या है, ये हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, प्रतिबिंब की दूरी ऊपर है, वस्तु की दूरी का भाग दे रहे हैं। तो अगर प्रतिबिंब बड़ा होगा तो बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू का भाग देंगे तो उत्तर 1 से ज्यादा आएगा, जैसे 2 3 में 2 का भाग देंगे तो 1.5 आएगा।
चार में दो का भाग देंगे तो दो आएगा, यानी दो गुणा हो गई इमेज। इसकी 2 सेंटीमीटर ऊंचाई है, इसकी 4 सेंटीमीटर ऊंचाई है, तो चार में दो का भाग देंगे दो, इसका मतलब प्रतिबिंब जो बना है वो वस्तु से कितना गुणा है, दो गुणा है। अब उस दो के साथ अगर माइनस भी लगा देंगे अपने, लगा हुआ है माइनस, तो माइनस भी अपन ने उसके साथ ही ले लिया, तो अपन उस माइनस दो को माइनस दो को क्या मानेंगे, ये तो जीरो से भी छोटा है, और जीरो से छोटा है तो एक से तो है ही। फिर अपने उसको किस में ले जाएंगे, हम उसको ले जाएंगे कि वो क्या बन गए, वो प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से छोटा हो गया, ऐसा नहीं करना है। इसलिए एक बात तो ये बिठा लिया अपने दिमाग में कि यहां जो माइनस प्लस है वो और वैल्यू दोनों अलग अलग हैं, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो m के दो पार्ट कर दिए, प्लस माइनस और वैल्यू। प्लस माइनस क्या बताएंगे, वस्तु सीधी है, सॉरी प्रतिबिंब सीधा है या उल्टा है, क्या प्रतिबिंब, प्रतिबिंब इमेज सीधा है या उल्टा है। वैल्यू क्या बताएगी, इमेज वस्तु से बड़ी है या छोटी है। तो आपको एक साथ नहीं रखना है, इनको अलग अलग रखना है। इस बात को आप अपने दिमाग में बैठा लें, समझ लें, न्यूमेरिकल करके देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके बारे में लिखने पॉइंट नंबर एक, यदि m पॉजिटिव है, यदि m पॉजिटिव है, प्लस में आता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वस्तु और प्रतिबिंब दोनों ही सीधे हैं, वस्तु व प्रतिबिंब दोनों सीधे हैं। तो वस्तु तो सीधी दे ही रखी होती है वस्तु का, तो अपने को तो इमेज का ध्यान रखना है, इसका मतलब इमेज भी क्या है, सीधी है। प्रतिबिंब जो बन रहा है वो, इसका मतलब m पॉजिटिव है, इसका मतलब सीधा है। कैसे, अब इसको समझ भी सकते हैं कैसे, कि हमारे पास फॉर्मूला है m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, माइनस वी अपॉन यू। तो देखो जब अपने पास इधर बन रहे हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा, तभी तो इधर बनेगा वो, और इधर बनेगा तो P से हम इधर चलेंगे तो किस में आएगी वैल्यू, माइनस में आएगी। U तो माइनस में है ही, कितने माइनस हो गए, 3 माइनस हो गए, एक तो ये रहा, U भी माइनस में दिख रहा है, V भी माइनस में दिख रहा है, 3 माइनस हो गए ना, तो रिजल्ट किस में आया, माइनस में, माइनस में आया रिजल्ट। वैल्यू क्या है वो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसकी बात बाद में करेंगे, माइनस में आया, इसका मतलब प्रतिबिंब उल्टा है। और अगर इधर ये एक दूसरे को नहीं काटे तब ऐसी स्थिति आती है कि पीछे कहीं काटते हुए प्रतीत होती है, ऐसा डायग्राम बनता है उसके अंदर। तो तब हम किधर चलेंगे प्रतिबिंब को मापने के लिए, इधर चलेंगे, और ये डायरेक्शन कौन सी है, जिधर प्रकाश किरण की गति की डायरेक्शन है वही है। तो ये किस में आगे, पॉजिटिव, यू हमेशा नेगेटिव होता है, यू हमेशा उत्तल अवतल कोई भी यू हमेशा नेगेटिव होगा। तो एक तो यू नेगेटिव, एक फॉर्मूले में नेगेटिव, दो नेगेटिव हो गए तो आगे ना प्लस, इसका मतलब कब आएगा प्लस, जब प्रतिबिंब इधर आभासी बनेगा और सीधा बनेगा तो क्या आएगा प्लस। इसका मतलब अगर m पॉजिटिव है तो प्रतिबिंब क्या है, सीधे हैं, और m नेगेटिव है तो m नेगेटिव है, इसका मतलब कब आएगा, जब 3 नेगेटिव होंगे, 3 नेगेटिव कब होंगे, जब वस्तु सीधी है तो प्रतिबिंब उल्टा है, वस्तु उल्टी है तो प्रतिबिंब सीधा है। इसका मतलब दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे, वस्तु सीधी है तो प्रतिबिंब उल्टा है। तो दूसरी बात क्या आ गई, यदि m नेगेटिव हो तो वस्तु सीधी होने पर प्रतिबिंब उल्टा होगा, वस्तु सीधी होने पर प्रतिबिंब उल्टा हुआ, ये दिखाई दे रहा होगा सभी को, देख लेता हूं, ठीक है, प्रतिबिंब उल्टा हो जाएगा इसमें। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है इसके अंदर वो, कि वैल्यू,
अब एक से बड़ी और एक से छोटी लिखूंगा मैं, तो एक से बड़ी और एक से छोटी का मतलब आपको ध्यान रखना है। एक से बड़ी का मतलब आपको माइनस प्लस नहीं देखने, अलग कर दो आप माइनस प्लस। मैं फिर रिवाइज कर रहा हूं, अगर आपके पास माइनस 1.5 लिखा हुआ है तो आप इसको जब ये बताएंगे कि आवर्धित है, यानी जो इमेज बन रही है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी है या छोटी है ये बताना है, तो उस समय हमें इस माइनस को नहीं देखना है, हमें इस वैल्यू को ही देखना है, केवल ये वैल्यू देख। हमें माइनस 1.5 का मतलब ये नहीं करना है कि जीरो से छोटा ये मान, हमें उस माइनस को भूल जाना है। दूसरा कंफ्यूजन रहे तो ये कह सकते हो कि हमें इमेज फॉर्मेशन जब देखना है उसका कि वो मैग्नीफाई है या नहीं है, तो उसी स्थिति में हमें क्या देखना है, मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वैल्यूज, मैग्नीट्यूड लेना है अपने को, जो वैल्यू अपने पास रिजल्ट में आई है मैग्नीट्यूड लेना है, बात ध्यान रखनी इस बात को। तो यदि m बराबर 1 है तो इसका मतलब क्या होगा, वस्तु और प्रतिबिंब क्या है, बराबर है। और ऐसा किस में होता है, ऐसा समतल दर्पण में होता है, बाकी किसी में नहीं होता है। चौथी वैल्यू ले लें इसके अंदर कि अगर m इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है, माइनस को नहीं देखना है, प्लस को नहीं देखना है, वैल्यू देखने के लिए, एक से बड़ा है तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है। और यदि m इज लेस देन 1, एक से छोटा है, एक से छोटा का मतलब क्या आएगा, जीरो और एक के बीच में आएगा, ये भी ध्यान रख सकते हैं। m जीरो से तो बड़ा होगा और एक से छोटा, पॉइंट्स में वैल्यू होगी, तो क्या होगा, तब प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से छोटा होगा। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब हम न्यूमेरिकल में इसकी बात और करेंगे, कल करेंगे न्यूमेरिकल क्लास, उसके अंदर हम इसके बारे में और पढ़ेंगे डिटेल से, कि तब पता चल जाएगा अभी वैल्यू कैसे लेने, कैसे रिजल्ट लिखने। बाकी ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, एम बहुत कुछ बता देते हैं, हम एम को नॉर्मली क्या लेते हैं, आवर्धन लेके और बता देते हैं छोटा बड़ा, लेकिन एम ये भी बता देता है वस्तु का जो प्रतिबिंब वो सीधा है या उल्टा है, आभासी है या वास्तविक है। आभासी वास्तविक की बात रहेगी तो देखो, अगर सीधा बनेगा तो इधर बनेगा, अब दर्पण के पीछे बनेगा तो वो कैसा होगा, दिखेगा थोड़ी, वो कैसा होगा, आभासी होगा, समझ में आगे बात। ये स्थिति कब आ रही है, ये स्थिति कब आ रही है, जब m पॉजिटिव होगा तो दोनों सीधे होंगे, सीधा होगा तो किधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, इस समय क्या होगा, आभासी होगा, सीधा होगा तो आभासी होगा, और जब उल्टा होगा तो वास्तविक होगा। इसका मतलब जब ये स्थिति है तो वास्तविक होगा और ये स्थिति है तो आभासी होगा। न्यूमेरिकल में हम v और इस मान से भी निकाल सकते हैं, v का मान और u के मान से भी हमें पता चल जाएगा कि v का मान माइनस में आ रहा है, इसका मतलब इधर ही बन रहा है, इधर बन रहा है तो हमें दिखेगा। v का मान प्लस में आ रहा है, v का मान प्लस में आ रहा है, तो इसका मतलब इमेज किधर बन रही है, इधर बन रही है, इमेज की तो डिस्टेंस होती है v, तो इधर जा रहे प्लस में, कब आएगा, जब हम मापने के लिए इधर जाएंगे प्रकाश की गति की दिशा में, इधर जाएंगे तो इधर तो क्या हो गया, दर्पण का पीछे का भाग हो गया, पीछे क्या है वो हमें दिखाई नहीं देगा, तो वो भी पता चल जाएगा कि वो क्या होगा, क्या होगा, आभासी होगा। तो v का मान अगर अगर माइनस में आता है तब तो वो वास्तविक प्रतिबिंब है, v का मान प्लस में आता है तो वो आभासी प्रतिबिंब है। अब ये सारी चीजें देखो, न्यूमेरिकल तो हम डायरेक्ट सोल्व करके, हमें नॉर्मली v का मान पूछा जाता है तो, और f का और u का मान दे दिया जाता है तो हम v का मान निकाल सकते हैं, लेकिन जो साथ में ये पूछा जाता है कि नेचर ऑफ इमेज बताओ, नेचर ऑफ इमेज प्रकृति प्रतिबिंब की, तो प्रकृति का मतलब ये बताना है कि वो सीधा है उल्टा है, वास्तविक आभासी है, वस्तु से बड़ा या छोटा है, तीन बात है हमें, ये टेंथ में आती है वैसे ये बात, लेकिन उस समय इतना ध्यान नहीं देते हैं, डीपली आपको इसके बारे में थोड़ा सा पता रहे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम उसका रिजल्ट भी बता सकते हैं, अगर ना उसके रिजल्ट नहीं लिखेंगे तो हमने जब ये सोल्व कर रखे हैं फिर भी हमने रिजल्ट नहीं लिखा, रिजल्ट नहीं लिखेंगे तो उसके नंबर कट जाएंगे, इसलिए आप इसको थोड़ा सा रिवाइज करें अच्छी तरह से। अब हमारे पास दर्पण जो है वो कंप्लीट हो गया, अभी कल की क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे दर्पण के जितने भी हो पाएंगे 2-3, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे
अपवर्तन। न्यूमेरिकल के लिए इनके दर्पण सूत्र इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। न्यूमेरिकल के लिए कई फॉर्मूले आएंगे इसके अंदर, छोटे छोटे फॉर्मूले आएंगे, सीधे सीधे आपको वैल्यू पुट करना आना चाहिए, फॉर्मूले याद होने चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप इसको सोल्व करें, पढ़ें साथ साथ में। देखो मैंने शुरू में कहा था, जो साथ साथ पढ़ रहे हैं उनको बिल्कुल समझ में भी आ रहा होगा और मजा भी आ रहा होगा कि ये तो बहुत ही आसान है, लेकिन जो बीच में आएंगे या मान लो तो नहीं देख रहे हैं या बीच का कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उनको दिक्कत भी आएगी। जैसे मान लो ये चीजें क्लेरिफाई नहीं करोगे तो रिजल्ट लिखने में दिक्कत आएगी। वी का मान तो हम निकाल लेंगे लेकिन हमें नहीं पता सीधा उल्टा कैसे होगा। अब वी के मान में थोड़ी लिखा हुआ सीधा है, वी के मान में तो केवल ये लिखा है माइनस 20 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर वो भी। तो अब अपने को देखना है कि माइनस प्लस का मीनिंग क्या है, और वो तब क्लियर होता है जब स्टार्ट टू एंड तक कंटिन्यू हर चीज को बारीकी से समझते हैं, तो हर चीज क्लियर हो जाती है। किसी का अभी रट्टा मारना नहीं पड़ता और रट्टे ज्यादा दिन रुकते भी नहीं है। तो आप रट्टाफिकेशन में पढ़े भी ना, समझे उसको, सोल्व करें, लिख कर देखें, रफ कॉपीज का यूज करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें, आपकी समस्याओं का समाधान जो है वो क्लास में कर दिया जाएगा। थोड़ी ऑडियो की प्रॉब्लम चल रही है 2-4-5-7 दिनों से तो वो थोड़ा रूम हमने चेंज किया उसके कारण भी थोड़ी प्रॉब्लम हुई। अभी देख रहे हैं कुछ एक दो तरीके से सोल्व करें इस प्रॉब्लम को, शायद नहीं आएगी, एक दो दिन में सिंप्लीफाई हो जाएगी ये प्रॉब्लम भी कि आवाज़ सही समझ में आए ये भी। बाकी आप इसको रिवाइज करें, पढ़ें, नेक्स्ट क्लास में बाकी बात करेंगे। तब तक आप इसको